गुड इवनिंग आला फिर दोस्तों, आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान का ये छठा लेक्चर है जिसमें वन लाइनर शार संग्रह 6-12 देखेंगे। और इसमें जो चैप्टर है दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है रोग एवं उपचार। रोग एवं उपचार से दोस्तों क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देखें। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिए, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, इसके पहले जो है जीव विज्ञान के 6 लेक्चर डाले जा चुके हैं और ये जो है छठा लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर जो है डाले जा चुके हैं, एक लेक्चर और आएगा विविध, हमारा जीव विज्ञान कम्प्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमारा रसायन विज्ञान और जो है भौतिक विज्ञान कम्प्लीट हो गया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग अगर ना देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये दोस्तों वन लाइनर है एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि आपके हर एग्जाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये तो चैनल पे दोस्तों पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो पानी से भय नामक जो बीमारी है वो दोस्तों विषाणु के द्वारा होती है, यानी वायरस के द्वारा होती है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज, मस्तिष्क और मेरुरज पर जो चढ़ी झिल्ली होती है, झिल्ली में जो सूजन आ जाता है, वह किस रोग का लक्षण है। तो वो दोस्तों है मेनिनजाइटिस नामक रोग होता है, जो कि मेरुरज पर झिल्ली में जब सूजन आ जाता है तो ये रोग होता है मेनिनजाइटिस। ये मस्तिष्क से रिलेटेड है दोस्तों, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि शिशुओं में जो अतिसार होता है, अतिसार का क्या कारण है। तो ये दोस्तों जो है रोटा वायरस एक होता है, जो कि छोटे बच्चों जो होते हैं या शिशु होते हैं उसमें अतिसार नामक बीमारी हो जाती है, और ये जो रीजन है ये रोटा वायरस के कारण होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मातोत्माद हिस्टीरिया, वातोद्माद जो हिस्टीरिया है, यह रोग सामान्यतया युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि युवा महिलाओं को जो है प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है, तो यह है वातोद्माद हिस्टीरिया। अगला पॉइंट है कि अंधबिंद या पीतबिंद ये आँख के किस भाग में पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों अंधबिंद और पीतबिंद ये दृष्टि पटल पर पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि आँख में प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। तो ये दोस्तों है दृष्टि पटल पर जो है स्नायु उद्वेगों में ये परिवर्तित होती हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि जो है सिलिकोसिस एक बीमारी है, यानी रोग है, और ये किस अंग से संबंधित है। तो ये दोस्तों फेफड़े से संबंधित है। सिलिकोसिस कई बार पूछा गया है, जब कोई भी मजदूर या वर्कर जो है जैसे ईंट उद्योग में या कोयला उद्योग में काम करता है, तो वहाँ की जो प्रदूषण होता है, जो है वायु में जो सांस लेते हैं, उससे क्या होता है दोस्तों, फेफड़े प्रभावित होते हैं, और उससे जो रोग होता है उस रोग का नाम है सिलिकोसिस। अगला है ट्रिपल एंटीजन जो वैक्सीन है ये नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, यानी इन तीन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है, तीन रोगों से जो है रक्षा करती है, तो इसलिए इसका नाम है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है नवजात शिशुओं को दी जाती है, जिससे उनके अंदर जो है कुकर खांसी ना होने पाए, टिटनेस ना होने पाए, और डिप्थीरिया रोग जैसे जो है लक्षण अगर होते हैं तो इनकी जो है प्रतिरक्षा करती है, यानी इनकी रक्षा करती है ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। अगला पॉइंट कह रहा है कि मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है। तो मलेरिया दोस्तों ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। तो भोजन विषाक्तता जो है ये उत्पन्न होता है सैल्मोनेला बैसिलाई, सैल्मोनेला जो है
वैशिलाई नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, भोजन विषाक्तता। अगला पॉइंट कह रहा कि मम्स, मम्स है या रेबीज है या हर्पीस है, ये आदि जो है विषाणुओं विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। यानी मम्स जो होता है ये विषाणु से उत्पन्न होता है, रेबीज जो होता है कुत्ते कुत्ते के काटने से होता है, मम्स जैसे जो गाले सूज जाते हैं जिसे कहते हैं गल्लावी भी, ये जो नाम है ये मम्स हो जाता है, या हर्पीस जो होता है ये दोस्तों विषाणु से उत्पन्न होते हैं वायरस द्वारा। अगला पॉइंट करें कि जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग हो जाता है, ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। तो जो जल में इटाई इटाई रोग होता है ये कैडमियम की कमी के कारण होता है, यानी कैडमियम की अधिकता जब शरीर में हो जाती है तो इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। और ये जल में पूछ रहा है कि जल में किसकी अधिकता के कारण, तो जल में जो अधिकता होती है कैडमियम, कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग हो जाता है, कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि फेनिल कीटो न्यूरिया रोग, फेनिन कीटो न्यूरिया रोग किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों मानसिक जड़ता से संबंधित है। फेनिन कीटो न्यूरिया रोग ये संबंधित है मानसिक जड़ता से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पोटेशियम अल्पता, जो पोटेशियम अल्पता है ये संबंधित है किससे, ये निम्न रक्तचाप से संबंधित है, यानी जो लो ब्लड प्रेशर होता है, जो लो बीपी होता है ये उससे संबंधित है, निम्न रक्तचाप से संबंधित है क्या, पोटेशियम अल्पता। और दोस्तों यदि सेब खिलाया जाए जो भी जिसके पास जो है लो बीपी वालों को, तो उसके लिए उसमें जो है पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है, तो पोटेशियम की कमी दूर हो जाएगी, तो ये आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो पोटेशियम अल्पता के कारण ही निम्न रक्तचाप होता है, यानी लो बीपी होती है, लो ब्लड प्रेशर होता है। अगला पॉइंट कह रहा हूँ कि जो मलेरिया है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये दोस्तों मलेरिया से फलीहा अंग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, फलीहा। अगला पॉइंट कह रहा है कि आनुवंशिक रोग लिंग सहलंग है, आनुवंशिक जो रोग है वो लिंग सहलंग है, तो लिंग सहलंग क्या है, ये रॉयल हीमोफीलिया, आनुवंशिक रोग लिंग सहलंग है, ये रॉयल हीमोफीलिया जो है ये आनुवंशिक रोग लिंग सहलंग रोग है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाई वैक्स यानी परजीवी उत्तरदायी है, पी वाई वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। तो भारत में जो 65% जो रोगी हैं मलेरिया के, और उनका जो है जो उत्तरदायी है वो पी वाई वैक्स एक परजीवी है जो कि उत्तरदायी है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है दोस्तों, तो आनुवंशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है, यानी रक्त का स्कंदन नहीं होता है किससे, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया पूछ सकता है कि कैसा रोग है, तो ये एक आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डेंगू बुखार की बात करें दोस्तों, तो डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है, तो डेंगू बुखार जब होता है तो मानव के जो शरीर होता है उसमें प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, और जो स्वस्थ मानव शरीर है वयस्क उसके अंदर जो प्लेटलेट्स होने चाहिए वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होनी चाहिए। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम की जो खोज है उसको सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो है खोजा गया था। पूछ सकता है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम जो नामक परजीवी है इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी सर रोनाल्ड रॉस। अगला पॉइंट कह रहा है कि ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोध्वनि शब स्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो ट्यूमर की पहचान के लिए दोस्तों आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ये रेडियोधर्मी शब स्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो जो रेडियोधर्मी शब स्थानिक है उसका नाम है आर्सेनिक 74, और इसका प्रयोग दोस्तों ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही है तो ब्रिक जो आपका किडनी है किडनी के प्रभावित होने की संभावना है, यानी मूत्र के साथ जो है एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही है तो ब्रिक क्या है, ब्रिक प्रभावित होने की संभावना, यानी ब्रिक में कुछ इन्फेक्शन जरूर है।
अगला पॉइंट कह रहा है कि साल्क टीका किस रोग से संबंधित है। तो जो साल्क टीका है दोस्तों वो पोलियो रोग से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि साल्क टीके का आविष्कार किसने किया, ये भी ध्यान रखिए। तो साल्क टीके का आविष्कार जो है जोनस साल्क ने किया था, कब किया था, 1952 ईस्वी में किया था। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि साल्क टीका किस रोग से संबंधित है, ये पोलियो से संबंधित है। इसकी खोज जो है जोनस साल्क ने किया, कब किया, 1952 में किया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे संबंधित है, ये दोस्तों फफूंद से संबंधित है। एथलीट फुट नामक बीमारी फफूंद से संबंधित है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त प्रवाह की गति मापते हैं, रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो वो दोस्तों है रेडियो सोडियम का प्रयोग रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है, जो कि रेडियो एक्टिव तत्व है और इस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम है रेडियो सोडियम। नेक्स्ट पॉइंट है कि पालिस युक्त जो चावल होता है के सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना होती है, तो बेरी रोग हो जाता है दोस्तों। पालिस युक्त चावल का यदि आप सेवन करते हैं तो बेरी रोग होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है, तो ये दोस्तों मच्छर है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा जीव है, तो ये मच्छर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होता है, यानी हानिकारक विकिरण जो होता है वो सीधे इफेक्ट डालता है सबसे ज़्यादा आँख पर। तो मस्तिष्क की अपेक्षा आँख जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि MRI का पूर्ण रूप क्या है, यानी MRI का पूरा नाम आपको बताना है। तो M फॉर मैग्नेटिक और R फॉर रेजोनेंस और I फॉर इमेजिंग, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये दोस्तों MRI का पूर्ण रूप है, पूछा भी गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि BMD परीक्षण बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो BMD परीक्षण है किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो ये पहचान करता है अस्थिरांध्रता के लिए जो है BMD परीक्षण किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है, तो एडीज मच्छर जो होता है वो जीका वायरस का जो है वाहक होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला जो हार्मोन्स है, मधुमेह के उपचार में कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार, यानी जो है मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन्स जो इंसुलिन का आविष्कार है ये किसने किया था, तो इंसुलिन का आविष्कार दोस्तों FG वाइटिंग के द्वारा किया गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, और इंसुलिन क्या है दोस्तों, एक हार्मोन से, और इंसुलिन जो हार्मोन से इसका आविष्कार किसने किया, तो FG वाइटिंग के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले जो रोग हैं वो एम्फाइसीमा से फुफ्फुस मतलब फेफड़े ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाला रोग एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा से जो है फुफ्फुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है या ऐसे पूछ सकता है फुफ्फुस किससे संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क दोस्तों ये एल्जाइमर रोग से प्रभावित होने वाला जो है अंग है, मस्तिष्क सबसे ज़्यादा एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो एल्जाइमर रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो मस्तिष्क है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से, दूषित या तो भोजन है या जल है, के माध्यम से प्रवेश करता है। ये वायरस यानी विषाणु जनित रोग है, जो कि पोलियो जब होता है तो या तो दूषित भोजन या दूषित जल के माध्यम से ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है,
मस्तिष्क की जो बीमारी होता है वो दोस्तों विद्युत मस्तिष्क लेख के द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट करा कि सामान्य जो जुकाम होता है ये किस वायरस के द्वारा होता है, तो सामान्य जो जुकाम होता है ये रिनो विषाणु के द्वारा होता है, यानी रिनो वायरस के द्वारा ये होता है सामान्य जुकाम। अगला पॉइंट करा कि एनोइस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है, तो एनोइस्मिया नामक जो रोग है वो सूंघने की शक्ति यानी घ्राण संवेदना की कमी से एनोइस्मिया जो है रोग होता है, सूंघने की शक्ति। अगला पॉइंट करा है कि सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी हैं, तो जो सल्फा दवाइयाँ हो दोस्तों जीवाणुजनित बीमारियों के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट पॉइंट करा है कि डीपीटी जो वैक्सीन है इसका प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है, तो डीपीटी जो वैक्सीन है इसका प्रयोग डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है डीपीटी। अगला पॉइंट कह रहा है कि हृदय की जो धड़कन है वो किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो वो दोस्तों पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो हार्ट की जो है स्पंदन है या धड़कन है वो पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जीवाणुजनित रोग, यानी जीवाणुजनित रोग कौन कौन से हैं ये देखते हैं, रोग और कारक या जीवाणु यानी हैजा दोस्तों, ये भी जीवाणुजनित जितने भी रोग हैं जीवाणुजनित हैं, और रोग और कारक या जीवाणु। हैजा जो है ये विब्रियो कैलोरी जो है जीवाणु से उत्पन्न होता है। डिप्थीरिया ये कार्निन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। क्षय रोग माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से क्षय रोग उत्पन्न होता है। कोढ़ जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक जो है जीवाणु से कोढ़ रोग होता है। और टिटनेस जो होता है वो होता है क्लास्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा टिटनेस रोग दोस्तों होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टाइफाइड जो रोग होता है वो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। फ्लेग जो है ये पास्चुरेला पेस्टिस के कारण जीवाणु के कारण फ्लेग रोग उत्पन्न होता है। काली खांसी दोस्तों ये बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है काली खांसी। न्यूमोनिया जो दोस्तों ये किस जीवाणु से उत्पन्न होता है, तो निमोनिया जो होता है वो डिप्लोकोकल न्यूमोनी नामक जो है जीवाणु से निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। और गोनोरिया दोस्तों ये निसेरिया गोनोर होई नामक जो है जीवाणु से उत्पन्न होता है गोनोरिया। और सिफिलिस रोग दोस्तों ये टेपोनोमा पैलेडियम नामक जीवाणु से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो सिफिलिस है। और सुजाग रोग जो उत्पन्न होता है वो गोनोकाकस गोनोर होई नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है सुजाग रोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि एमिनो सैसिलिस एसिड ये पर्त सूक्ष्मजीवी औषधि के रूप में एक्षमा और कुष्ठ दोनों ही चिकित्सा के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों फ्लेग रोग होता है। यदि चूहा संक्रमित है और वो चूहा काट लेता है तो फ्लेग रोग जो है उत्पन्न होगा। अगला कह रहा है कि अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करती है, तो अबिंदुकता जो रोग है वो प्रभावित करती है आँखों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है निद्रा रोग नामक जो बीमारी है वो ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होती है निद्रा रोग। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि फाइलेरिया नामक जो रोग है वो किसके कारण होता है, तो ये दोस्तों गोल क्रीम के कारण फाइलेरिया रोग होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो वो दोस्तों एचआईवी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो एड्स है। अगला पॉइंट कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम नामक जो आनुवंशिक विकार है ये किसके द्वारा होता है, तो डाउन सिंड्रोम जो आनुवंशिक विकार है
वो दोस्तों होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो इसके कारण डाउन सिंड्रोम नामक विकार या रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट करा एड्स। एड्स रोग जो है HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। अगला पॉइंट करा कि एड्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो अब आपको एड्स का फुल फॉर्म अब बताना है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला पॉइंट करा कि एड्स वायरस जो है वो HTLV की खोज किसने की थी, यानी एड्स वायरस की खोज किसने की थी, तो एड्स वायरस की खोज रॉबर्ट गेलो ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट करा कि एड्स के उपचार के लिए सबसे जो उपयुक्त दवाई है वो कौन सी है, तो एड्स के उपचार के लिए जो सबसे उपयुक्त दवाई है वो जीडोबुटिन यानी एजीडोथायमिडीन नामक जो है दवा है जो कि एड्स के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जापानी इंसेफलाइटिस जो बीमारी है ये विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए स्वरों को मानव के रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है, यानी ये स्वर के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो जापानी इंसेफलाइटिस नामक जो बीमारी है ये इसलिए स्वरों को मानव के रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। अगला पॉइंट है कि एलिशा दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, एलिशा जो परीक्षण है ये किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो ये एड्स रोग की पहचान के लिए एलिशा टेस्ट कराया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो जो थैलेसीमिया के रोगी हैं उस थैलेसीमिया के रोगी में शरीर जो है वो हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, यानी जो हीमोग्लोबिन है वह हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता किसमें, थैलेसीमिया नामक रोगी को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष में जो वर्णांधता है, स्त्री की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं, यानी पुरुषों में वर्णांधता रोग सबसे ज़्यादा होता है और इसमें रीजन क्या है, इसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एड्स छोटी माता यानी एड्स बीमारी छोटी माता के नाम से जो जानते हैं एवं गलसुआ जो है ये तीनों संक्रमण बीमारियां हैं, यानी संक्रमण द्वारा ये एड्स भी फैलता है, छोटी माता भी और गलसुआ रोग। अगला हम लोग देखते हैं कि एफलाटॉक्सिन जो खाद विषाक्त है द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो एफलाटॉक्सिन खाद विषाक्तता द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है, यकृत अंग को ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर अगला है कि ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ब्राइटस रोग से शरीर का दोस्तों गुर्दा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला कह रहा है कि इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, इंटरफेरॉन का प्रयोग दोस्तों कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिल्कोसिस क्या है, सिल्कोसिस दोस्तों ये फेफड़ों से संबंधित एक रोग है। अगला है मक्का में जो सफ़ेद कली होता है वो किस तत्व की कमी से होता है, तो मक्का में जब कली जो होती है वो सफ़ेद होती है वो दोस्तों जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सफ़ेद किट जो है ये किस फसल का रोग है, तो जो सफ़ेद किट जो रोग है वो दोस्तों सरसों फसल को प्रभावित करता है, सरसों में लगता है सफ़ेद किट रोग। अगला है पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है, तो पायरिला दोस्तों ये गन्ना की फसल में लगता है। और नेक्स्ट है कि भिंडी में जो पीतवर्ण शिरा जो रोग है ये किस कारण होता है, तो जो भिंडी में पीतवर्ण शिरा बीमारी लगती है वो दोस्तों सफ़ेद मक्खी से उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, यानी जो खसरा रोग है उसको एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग हेपेटाइटिस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रानी खेत रोग किससे संबंधित है, तो रानी खेत रोग दोस्तों मुर्गियों से संबंधित रोग है, रानी खेत रोग।
यानी मुर्गियों से संबंधित रोग कौन सा है, तो रानीखेत रोग। अगला कह रहा है कि गेहूं में होने वाले दो प्रमुख जो कवक रोग हैं वह कौन से हैं, तो गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग एक तो काला किट है और दूसरा एस्मट है। अगला है धान का जो टुंगरो विषाणु है, धान में लगने वाला एक टुंगरो विषाणु है, ये किसके द्वारा प्रसारित होता है, तो दोस्तों हरी पत्ती के खुदके के द्वारा ये फैलता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ड फ्लू कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि वर्ड फ्लू में H5N1 ये इन्फ्लुएंजा विषाणु है और इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण जो है वर्ड फ्लू होता है। कभी कभी पूछ लेता कि वर्ड फ्लू का जो है कारक विषाणु क्या है, तो H5N1 है जो कि इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण उत्पन्न होता है वर्ड फ्लू। अगला पॉइंट कह रहा है कि BCG एक टीका लगाया जाता है, का टीका नवजात शिशुओं को कब लगाया जाता है, तो BCG का टीका दोस्तों जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि पशुओं में जो प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं, यानी पशुओं में प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं उनको देखते हैं, रोग का नाम और रोग के लक्षण। जैसे जो है काक्सीडियोसिस जो रोग पशुओं में होता है वो रक्तस्रावी और आंत्रशोथ होनी पेचिस ये इसके लक्षण हैं, और बेबीसिएसिस जो रोग है ये तीव्र ज्वर और रक्त अल्पता के कारण जो है बेबीसिएसिस रोग जो है पशुओं में होता है। और फिर अगला रोग है थिलेरियोसिस जो रोग है ये तीव्र ज्वर ब्राह लसिका ग्रंथियों में सूजन हो जाता है, यानी तेज बुखार होगा और बाहरी जो लसिका ग्रंथियां हैं उसमें सूजन आ जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि एनाप्लाज्मोसिस जो रोग है ये लाल रक्त कणों का विनाश करता है। फिर आता है ट्रिपनोसोमियासिस जो रोग है ये ज्वर और रक्त दोनों को प्रभावित करता है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है ट्राइकोमोनियासिस ये गर्भपात एवं बंधता से संबंधित रोग है। अगला हम लोग विषाणु जनित रोग देखते हैं, वायरस द्वारा होने वाले जो रोग हैं, रोग और कारक या विषाणु। जैसे छोटी माता ये बैरिसेला वायरस के कारण उत्पन्न होता है, खसरा जो रोग है ये मोरबिली वायरस से उत्पन्न होता है, और पोलियो दोस्तों ये पोलियो वायरस से उत्पन्न होता है, रेबीज ये रेबीज वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग है, और चेचक दोस्तों ये बैरियोला नामक वायरस से उत्पन्न होता है चेचक। अगला है जननांग जो हर्पिस रोग है वो हर्पिस वायरस से उत्पन्न होता है, और एड्स जो है ये ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से उत्पन्न होता है, और हेपेटाइटिस जो रोग है वो हेपेटाइटिस वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। अगला है इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो मिक्सो वायरस और इन्फ्लुएंजाई इन इसके द्वारा जो है इन्फ्लुएंजा रोग होता है। गल्सुआ जो रोग होता है वो मम्स वायरस के कारण होता है, और जेनाइटल जो हर्पिस है ये सिमलैक्स बेजिलेनिस नामक वायरस से उत्पन्न होता है। डेंगू ये डेंगू वायरस से उत्पन्न होता है, कोविड जो है ये कोरोना वायरस नामक बीमारी है, यानी इस ये भी वायरस से ही उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है कि यकृत शोथ कैसा रोग है, ये विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, तो उनको दोस्तों बैक्ट के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि थैलेसीमिया जो रोग है वो एक आनुवंशिक बीमारी है, और ये किसको प्रभावित करती है, तो थैलेसीमिया दोस्तों रुधिर को प्रभावित करती है। अगला है ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है, ग्लाइकोमा नेत्र से संबंधित रोग है। अगला है कि पोलियो माइलेटाइस जो रोग है ये किससे फैलता है, तो ये दोस्तों विषाणु से फैलता है, यानी वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। अगला हम लोग देखते हैं रक्त में जो RH है ये क्या है, तो ये प्रत्यजन के नाम से जाना जाता है, जो रक्त में RH होता है उसे प्रत्यजन कहते हैं। कोरोना वायरस एवं COVID-19 थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसमें देखते जो कोरोना वायरस एक ऐसे विषाणु का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सार्स
मन स्वास्थ्य साहस तक हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया। ये संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी। अब कोविड-19 के लक्षण देख लेते हैं। कोविड-19 के जो लक्षण हैं वह सामान्य लक्षण जो है वो बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि, और कम सामान्य जो लक्षण है वो सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी और डायरिया, नेत्र श्लेष्मा, कलाशोथ आदि जो है इसके लक्षण हैं। और इसके उपचार, कोविड-19 के उपचार की बात करते हैं तो उपचार दोस्तों, अब तक कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि अथवा टीका अंतिम रूप से नहीं बन पाया है। यद्यपि विश्वभर में अनेक टीके अंतिम चरण में हैं, इसलिए इसमें बचाव करके तथा संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति इससे ठीक हो सकता है। और वैश्विक जो आंकड़े हैं तो वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित 90% से अधिक व्यक्ति चिकित्सकों के निर्देशों का ठीक प्रकार से पालन करके संक्रमण मुक्त हो जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति की शारीरिक जो स्वास्थ्य की स्थिति है, उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है तथा आयु वर्ग में जो कोरोना संक्रमण से लड़ने में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो ये तो रहा कोविड-19। अब इसके बचाव के उपाय भी देख लेते हैं। तो कोविड-19 के बचाव के उपाय, पहला पॉइंट है कि एक दूसरे से पर्याप्त दूरी लगभग 6 फीट रखना अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना। और नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है किसी भी संभावित संक्रमित व्यक्ति अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इस संबंध में सरकार व प्रशासन द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करना। इसी के साथ जीवाणु जनित हम लोग रोग देख लेते हैं। जीवाणु द्वारा जो उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, तो जीवाणु जनित जो रोग हैं, हैजा दोस्तों विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया जो है ये कार्नोबैक्टीरिया डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियस लेप्रोसी नामक जीवाणु से होता है। टिटनेस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। और टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्लेग ए पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। काली खांसी ये बोर्डिटेला और पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। और निमोनिया ये डिप्लोकोकल न्यूमानी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। गोनोरिया जो है ये निसेरिया गैनोराई नामक जीवाणु से। सिफिलिस जो है ये ट्रिपनोमा पैलिसियस नामक जीवाणु से। और सुजाक जो है ये गोनोकाकस गोनोहुई नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि टिक्का रोग किससे संबंधित है। ये दोस्तों मूंगफली में लगने वाला रोग है टिक्का। अगला कह रहा है कि हाइड्रोफीबिया रोग जो मुख्यतः किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफीबिया दोस्तों रेबीज वायरस के कारण उत्पन्न होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है। ये भी सार से होता है। जंतुओं में होने वाली जो फूट एंड माउथ रोग है वो किसके कारण उत्पन्न होती है। ये दोस्तों विषाणु से उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक हैं वो क्या कहलाते हैं। तो उनको कोर्टिकोलस कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो खैरा रोग किसके कारण होता है। ये जस्ते की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। ये हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का जो कैंकर रोग है उसके किसके कारण होता है। तो नींबू में जो कैंकर रोग लगता है वो भी जीवाणु के कारण ही होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो ये दोस्तों यकृत करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि काला जार का जो संचार है वो किससे होता है।
तो इस सिकता मक्खी के द्वारा जो है कालाजार का संचार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि काली खांसी, काली खांसी के बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है, तो DPT टीका लगाया जाता है। और अगला महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक देख लेते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो जी मेंडल हैं। सूक्ष्म जैविकी के जनक ये लुई पॉस्चर हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक ये रॉबर्ट कोच हैं। ये दोस्तों मैचिंग में पूछ सकता है, मैचिंग के साथ साथ ऑनलाइनर में भी पूछ सकता है और मिलाने वाले में तो पूछा ही जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ जनित जो रोग हैं, उनको एक नज़र देख लेते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग, रोग और कारक या प्रोटोजोआ, जैसे मलेरिया है ये तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा होता है। अमीबियासिस जो रोग है वो एंट अमीबा सिम्प्लेक्स जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। काला अजार जो होता है ये लिशमैनिया यानी बालू मक्खी के काटने से होता है। पायरिया दोस्तों ये एंट अमीबा जिंजिवेलिस नामक जो है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। सोनी की जो बीमारी है वो दोस्तों जो सोनी की बीमारी है वो ट्रिपेनोसोमा नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। और फुफ्फुस शधु शिमियता, फुफ्फुस धूल धूल मियता यानी लिखा हुआ है फुफ्फुस धूल मियता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक जो है रोगग्रस्त होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कह रहा कृत्रिम जनित जो रोग है, तो कृत्रिम जनित रोग हम लोग देखते हैं। कृत्रिम जनित रोग ये कह रहा है एक क्रीम जनित रोग, रोग और कारक क्रीम, जैसे फाइलेरियसिस ये बुचेरिया बायंक्रोटाई और बुर्गिया तिमोरी ये नामक क्रीम से फाइलेरियसिस रोग उत्पन्न होता है। और टीनियसिस रोग जो है ये टीनिया सोलियम नामक क्रीम से उत्पन्न होता है। एस्कोरियसिस जो रोग है वो एस्केरिस लुब्रिकाइडिस नामक क्रीम से उत्पन्न होने वाला रोग है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग में देखते हैं कि कवक जनित रोग कैसे हैं रोग और कारक। एथलीट जो फुट रोग है ये ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम नामक कवक से उत्पन्न होता है। खाज जो होता है दांत खाज खुजली, तो खाज जो होता है वो एकेरस इसके बीच नामक कवक से उत्पन्न होता है। दांत जो है ट्राइकोफाइटोन एपिडमोरफाइटोन नामक जो कवक है उससे उत्पन्न होने वाला रोग जो है आपका दाद है। लास्ट में एक पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है और हर एग्जाम में बनता है, तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इसको इस तरीके से देखते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं कि कवक जनित जो पादप रोग हैं और रोगकारी कवक, इनको देखते हैं कि जो पौधों में लगने वाले, जैसे आलू का विलंबित जो अंगमारी रोग है वो फाइटोफथोरा इन्फेंटस नामक कवक से उत्पन्न होता है। और आलू का जो पूर्व अंगमारी रोग है वो अल्टरनेरिया सोलानी नामक कवक से उत्पन्न होता है। मूंगफली का टिक्का रोग सर कोस्पोरा और परसोनेटा नामक बीमारी से होता है। गन्ना का लाल जो है बिगलन ये कोलेटो ट्राइकम फाल केटस नामक जो है कवक से उत्पन्न होता है। गेहूं का काला किट जो रोग है ये फक्सिनिया ग्रेमिनिस टीटीसी नामक जो है कवक से उत्पन्न होता है। और गेहूं का जो सल्थकंड रोग है वो अस्टीलेगी टीटीसी नामक कवक से उत्पन्न होता है। गेहूं का चोन अस्ता रोग इरिसाइफी ग्रेमिनिस नामक जो है कवक से उत्पन्न होता है। क्रूसी फेर का जो सफ़ेद किट रोग है वो एल ब्यूरो कैंडिडा नामक जो है कवक से उत्पन्न होता है। और बाजरा का मृद रोग मेल जो अस्ता रोग है वो आपके स्केलेरो स्पेरो ग्रेमिनी कोला नामक कवक से उत्पन्न होता है। इसी के साथ क्यूसीफेर का मृद रोग मेल आस्ता जो रोग है वो पेरोनो स्पेरो पैरासाइटिका नामक कवक से उत्पन्न होता है। बाजरा का जो इरगाट रोग है वो क्लेवी शेप सुई फारसिस नामक कवक से उत्पन्न होता है।
आलू का वार्ट रोग जो लगता है वो सिनकी टीएस एंडोबायोटिकस बायोटिकम नामक जो है कवक से उत्पन्न होता है। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग ये स्केलोरो एस्पोरा ग्रीमकोला नामक जो है कवक से उत्पन्न होता है। और राई का इरगाट रोग जो है वह क्लेवी शेप्स पर पूरिया नामक कवक से उत्पन्न होता है। साथ ही साथ जो है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस जो रोग है वो हेल्थ मिंथो एस्पोरियम ओराइजी नामक जीवाणु से वो कवक से उत्पन्न होने वाला रोग है। साथ ही साथ हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं कि विषाणुजनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु, जैसे तंबाकू का जो मोजेक रोग है वो टुम्बैको मोजेका वायरस से होता है। आलू का मोजेक रोग ये पोटैटो वायरस वाई से होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना का जो रोग है वो बनाना वायरस फर्स्ट से होता है। फूलगोभी का जो मैजिक रोग है वो फूलगोभी मैजिक वायरस से उत्पन्न होता है। गाजर का जो लाल पीला जो रोग है वो गाजर लाल पत्ती वायरस द्वारा होता है। अजैविक पादप रोग, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं जो अजैविक पादप रोग है जैविक और अजैविक। तो अजैविक जो पादप रोग है उसमें हम लोग देखते हैं कि नींबू में जो डाइवैक रोग है वो कापर की कमी से, आंवले में जो आंतरिक निक्रोसिस रोग है वो बोरान की कमी से होता है, नींबू में लिटिल लीफ जो रोग है वो कापर की कमी से होता है, आम में लिटिल लीफ रोग ये जस्ता की कमी से होता है, मटर में मांस रोग जो होता है वो मैंगनीज की कमी से उत्पन्न होता है। साथ ही साथ धान में जो खैरा रोग लगता है वो जस्ता की कमी से, फूल गोभी में हिप्ट टेल रोग वो माल्डिव डेनम की कमी से उत्पन्न होता है, चुकंदर में जो हार्ट राट रोग लगता है वो बोरान की कमी से, आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो लगता है वो भंडारण में ओटू की कमी के कारण होता है, फूल गोभी में जो है ब्राउनिंग का जो रोग है वो बोरान की कमी से उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग थोड़ा और देखते हैं जीवाणुजनित पादप रोग और रोगकारी कारक। तो इसमें हम लोग देखते हैं लास्ट है कि आलू का जो शैथिल रोग है वह स्ट्यूमोनास सोलेनिसियम सेरम नामक जो है जीवाणुजनित रोग है। धान का जो अंगमारी रोग है वो जैंथोमोनास ओराइजी जीवाणुजनित रोग है। और नींबू का कैंकर रोग जो होता है वो जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। गेहूं का टूंड रोग वो कोरिनो बैक्टीरियम टिट्रिकी के द्वारा होता है। और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो रोग है वह आपका उत्पन्न होता है जैंथोमोनास मालवेसिस सीरम के द्वारा उत्पन्न होता है। आगे जो रोगकारी है और उनके जो है कारक देख लेते हैं कि जो सेब है दोस्तों, जो सेब है सेब में सेब है, गुलाब है, टमाटर है, क्राउन गाल, ये जो दोस्तों एग्रोबैक्टेरियासिस और ट्यूमीफासियंस के द्वारा उत्पन्न होता है। आलू का जो स्कैब रोग है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबजी के द्वारा होता है। तंबाकू का शैथिल रोग ये स्टोमोनास सोलेनेशियम जो है कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। टमाटर का जो शैथिल रोग है वो स्टोमोनास सोलेनेशियम सीरम के द्वारा उत्पन्न जीवाणुजनित ये रोग है। तो ये दोस्तों वीडियो आपकी छठी थी और अब एक वीडियो आपकी जीव विज्ञान की विविध आनी है और विविध के बाद हमारा जीव विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ एक विविध आने के बाद तो अब जब साइंस हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री और ये रहा बायो, जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एनसीईआरटी वन लाइनर हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे और इससे पहले हमारा इंडियन पॉलिटी इंडियन ज्योग्राफी वन लाइनर और वर्ल्ड ज्योग्राफी पर्यावरण पारिस्थितिकी ये कंप्लीट हो गया, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग ना देखे हों वो जाकर के चाहें तो देख सकते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।